हाय गाइस, दिस इज समीक्षा सिंह, वॉचिंग माय चैनल फूड पैराडाइज। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके एक यूनिक रेसिपी। आज हम बनाएंगे पापड़ के परांठे। वैसे तो अपने पापड़ तो आजकल जो हमारे इंडियन फूड का हिस्सा है, खाने के साथ और सैलड के साथ परोसा जाता है, बट आपने कभी ये खाया नहीं होगा कि इसको परांठे में डाल के रोटी बनानी। तो चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। पापड़ का पराठा बनाने के लिए मुझे पापड़, मैंने बड़े पापड़ लिए हैं, आप छोटे भी ले सकते हैं कोई भी साइज़। और मैंने इसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा कर लिया था रोस्ट, आप फ्राई भी कर सकते हैं। और हमें चाहिए आलू, ये बॉईल किए हुए मैश किए हुए थोड़े से, और गरम मसाला, नमक ये स्वाद अनुसार लेंगे, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया लीव्स। और हमें चाहिए हरी मिर्च और अदरक बारीक चॉप किया हुआ। तो सबसे पहले हम सबको मिक्स करेंगे। मैं पापड़ ले रही हूँ, उसको अच्छे से क्रश करना, बिल्कुल बारीक कर लेना है, छोटे छोटे। इसको हाथों से आप क्रश कर सकते हैं। ये पापड़ वर्ड जो है, ये संस्कृत वर्ड परपट से आया है, जिसको कि फ्लैटन डिस्क बोलते हैं। और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे अप्पलम तमिलनाडु में, पापड़म केरला में, और हमारे पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में पापड़ बोलते हैं, तो पम्पड़ इन उड़ीसा में बोलते हैं। तो हम इसको सारे को क्रश कर लेंगे अच्छे से। तो हमारे हो गए, मैंने हाफ लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम जो आलू हैं मैश किए, वो थोड़े से लेंगे, को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप और भी कुछ डालना चाहें तो मटर वगैरह भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे धनिया लीव्स, नमक ये स्वाद अनुसार डालेंगे, क्योंकि पापड़ जो है मेरा वो मसाले वाला, हम उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे नमक। अब ऐड करेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा फिर मिक्स करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च थोड़ी सी, क्योंकि पापड़ भी थोड़े स्पाइसी होते हैं, थोड़ा सा अदरक। दूसरे परांठे तो खाए होंगे, ये परांठा बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा सा मैं और पापड़ ऐड कर रही हूँ, इसको मैंने क्रश कर दिया। तो ये हमारा मिक्सचर जो रेडी हो गया, अब हम इसको रोटी में डाल के सब परांठा बनाएंगे। तो मैं लूँगी पहले पेड़ा, लेंगे जैसे हम नॉर्मल परांठा बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे इसको, कोई कुछ अलग चीज़ नहीं है, सिंपल रेसिपी है। दूसरी फिलिंग करते हैं, तो इसमें हम ये वाली फिलिंग करेंगे पापड़ की। साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये मैंने कर लिया, अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा जो मिक्सचर है, इसको डाल देंगे। मिक्सचर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं एडजस्ट। अब इसको सारे साइड से फोल्ड करेंगे, जैसे परांठा बनाते हैं नॉर्मल हम घर में वैसे ही बनाएंगे। इसको साइड से पकड़ के, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा लग रहा है तो मैं उसको उतार दूंगी, इसको जॉइंट कर देंगे प्रॉपर। तो अब इसको थोड़ा सा मैं आटा लगा लूंगी, डस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, इसके हम परांठा बेल लेंगे। अब पापड़ की भी बहुत वेरिएशंस होती हैं, जैसे राइस पापड़, साबूदाना का पापड़, पटेटो पापड़, मसाला पापड़, गार्लिक पापड़, बहुत सारी वेरिएशंस आते हैं इसकी। तो मैंने मसाला पापड़ लिया है, तो ये हमारा बन गया है। अब इसको हम गैस पे सेक लेंगे, तवे पे। चलिए इसको सेकते हैं। मैंने तवा पहले से गर्म कर लिया था, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे या ऑयल जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो मैंने घी लगा दिया इसके ऊपर, अब हम इस पर जो हमारा परांठा है वो रख के इसको सेकेंगे। तो उसको सिकने देंगे थोड़ी देर के लिए। जब घर में कुछ ना हो तो ये बना सकते हैं आप इजीली। इसके ऊपर अब थोड़ा सा घी लगाएंगे, और एक साइड हो गई है थोड़ी सी, इस पर घी लगा के इसको दोबारा सेकेंगे। तो उसको मैं पलटने लगी हूँ, ये देखिए। अब इस साइड पे भी हम घी लगा लेंगे।
शादियों में तो रोटी के साथ पापड़ खाते हैं, बट ये परांठे में डाल के इसका अलग ही टेस्ट आता है, बहुत यम्मी बनता है। एक बार इसको फिर पलट लेंगे। ये साइड हमारी हो गई है डन, तो बस मैं गैस बंद कर रही हूँ। तो ये हमारा पक चुका है, ये देखिए रेडी है। तो मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है, आप इसको दही के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, पापड़ परांठा बहुत यम्मी है। सो आई होप आपको ये मेरे पापड़ का परांठा की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन है वो जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैंने इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, तो आप देख लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली बार नई रेसिपी के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल फूड पैराडाइज। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।